नमस्कार दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बताया है कि पेटीएम के माध्यम से आप यूपीआई ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। अगर कोई किसी क्यूआर कोड की इमेज आपके मोबाइल में स्टोर है या किसी ने आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है क्यूआर कोड की इमेज, तो आइए हम लाइव डेमो देखते हैं कि पेटीएम फ़ोन पे पर मैंने किस तरीके से अपने क्यूआर कोड की इमेज से पेमेंट भेजा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अपने फ़ोन पे से क्यूआर कोड पर फोटो के जरिए पैसे सेंड कैसे करें। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्यूआर कोड फोटो से कैसे पैसे सेंड करते हैं। तो फ्रेंड, हमें सबसे पहले अपने फोन पे ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके फोन पे ऐप पर लिखा है जैसे एड एड्रेस टू प्रोफाइल नोटिफिकेशन बेल, उसके पास में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यूआर स्कैनिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिला है। तो फ्रेंड चलिए हम उस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर यह अपनी क्यूआर स्कैनिंग के लिए कैमरे पर ओपन रहेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर कैमरा को ओपन रहेगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इमेज जो आप देख रहे हैं तो इमेज पर क्लिक कर देना है। मैं इमेज पर क्लिक कर देता हूं। इमेज पर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर हमारे फोन गैलरी की इमेजेस ओपन हो जाएगी। फोन गैलरी की ओपन इमेज हो जाने के बाद पर जहाँ क्यूआर से आपको पैसे सेंड करने हैं, उस क्यूआर की इमेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो क्यूआर की इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, तो उस क्यूआर में मेरे नाम और मेरे फोन नंबर की डिटेल जो भी थी आपको दिख गई है। अब इसके बाद में यहाँ से आपको कितने रुपए सेंड करने हैं ये आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अमाउंट फिल कर देता हूँ। अमाउंट फिल कर देने के बाद में आपको यहाँ पर प्रोसेस टू पे का ऑप्शन देखेगा। तो फ्रेंड आपको प्रोसेस टू पे पर क्लिक कर देना है। प्रोसेस टू पे पर क्लिक कर देने के बाद में आपको अपनी बैंक की डिटेल के बारे में जानकारी देगा कि आपको इस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने हैं। अगर आपके एक से ज्यादा अकाउंट है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड मुझे यहाँ पर पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो मुझे यहाँ पे रुपए वन पर क्लिक कर देता हूँ। पे रुपए वन पर क्लिक कर देने के बाद में ये यहाँ पर अपने यूपीआई पिन मांगेंगे, जो हमारे यूपीआई पिन है हमें वो यूपीआई पिन डालने हैं। तो फ्रेंड हम अपने यूपीआई पिन डाल देते हैं। यूपीआई पिन डाल देने के बाद में हमें यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक कर देने के बाद में हमें यहाँ पर अपना सक्सेसफुल का मैसेज मिल जाएगा। जैसे कि आप फ्रेंड देख सकते हैं, ये मेरे पैसे यहाँ पर सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुके हैं। थैंक यू फ्रेंड, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा कि अपने फोन पे से क्यूआर कोड इमेजेस के जरिए कैसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।